अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल एंड इजी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज विंटर्स हैं तो विंटर्स में सबके होंठ कटे फटे और इतने अजीब लगते हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया है इनके होंठों को। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए वैसलीन, सब जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो होगा वैसलीन। हमें वैसलीन चाहिए। आप कहेंगे अब ये तो सारी वैसलीन से ही रेमेडीज बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये विंटर की सबसे बड़ी सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट हैं। तो चलिए अब हम इसे पहले बनाने के लिए बता देती हूँ। उसके साथ आपको चाहिए होगा विटामिन ई का कैप्सूल, जो आपको ये इस तरह से ईज़िली अवेलेबल है हर जगह, इंडिया पाकिस्तान हर सिटी में ये ईज़िली अवेलेबल। एक तो ये ग्रीन में होता है और एक जो है रेड में। रेड जो होता है वो तकरीबन ही ज़्यादा हाई होता है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप ग्रीन यूज़ कर रहे हैं तो दो यूज़ कर लें, अगर रेड आपको मिला है तो आप रेड को एक यूज़ कर लें, तो इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। हमने ये दो चीज़ें हमें चाहिए। हम शायद जो विंटर्स में हैं पानी ज़रा कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो होंठ हैं इतने वो रफ़ और इतने ड्राई हो जाते हैं कि कटे से इतने फटे फटे लगते हैं ना वो, कि उनकी जो स्किन है वो अलग अलग सी दिख रही होती है, तो इसलिए फिर लिपस्टिक भी सही से नहीं लगती। तो चलिए अब हम बना लेते हैं इन चीज़ों को। हमने पहले ले लिया वैसलीन, उसी के साथ अब हम लेंगे विटामिन ई का कैप्सूल, जो मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ, और ये इस तरह जैसे मेडिसिन होती है इसी तरह से अवेलेबल है। तो आपने इसी तरह से एक जो है विटामिन ई कैप्सूल लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर जाहिर बात है आपको विटामिन जो यानी कि कैप्सूल्स हैं उसका जो ऑयल है वो ज़्यादा चाहिए होगा। तो मैंने इसी तरह से इसे ले लिया है, आप देख सकते हैं। आप मैंने थोड़ा सा वैसलीन ली है और उसी के साथ अब मैं थोड़ा सा जो है विटामिन ई जो है कैप्सूल्स यानी कि इसका ऑयल लूँगी, उसमें से इस तरह थोड़ा सा निकलेगा तो मैं वो पूरा ही इसमें ऐड कर लूँगी। तो इस तरह से आप इसमें ऐड कर लेंगे। ये आपके जो है वैसलीन ज़ाहिर बात है बहुत हाइड्रेशन रखती है, आपकी मॉइस्चराइज करती है, इसी के साथ विटामिन ई भी इसी तरह का काम करता है। तो ये आपके जो होंठ्स हैं इनको ड्राई होने से रोकेगा। आपको बस करना ये है कि आपको रात को सोते वक्त इसे लगा लेना है, ठीक है। जब आप रात को सोते वक्त लगा लेंगे और सुबह नॉर्मल वाटर से इसे वॉश करेंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि कितना ही बेस्ट और कितना वर्किंग एबल है। इसी के साथ मैं आपको एक और रेमेडी बताऊँगी, लेकिन पहले आपने इस तरह से मैं बता दूँ कि आप इस तरह से करेंगे, और इसके बाद आपने इस तरह से आप जब लगाएंगे तो इसे हल्का हल्का मसाज करेंगे। आई मीन सर्कुलर होंठ पे, दोनों होंठ हैं तो सर्कुलर मोशन में आपने इस तरह से इसे लगाना है, ठीक है। 2-3 मिनट्स लगाएंगे, उसके बाद आप सो सकते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट रेमेडी होगी वो भी इसी तरह वैसलीन से हम बनाएंगे, लेकिन उसमें हम विटामिन ई कैप्सूल नहीं ऐड कर रहे, उसमें हम कुछ और ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी उस रेमेडी की तरफ आते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप ये जो रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी। आप दोनों को ज़रूर ट्राई करें और फिर बताएं कौन सी वैली ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए अब हम आते हैं दूसरी की तरफ। दूसरी के लिए हमें चाहिए ऑलिव ऑयल, जो आपको ये दिख रहा है। ऑलिव ऑयल तकरीबन ही सबके घर पे होता है, अगर नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप विटामिन ई कैप्सूल्स ही लगा सकती हैं। तो आपको चाहिए विटामिन ई कैप्सूल्स और जो ऑलिव ऑयल है, आपको सिर्फ ये दो इंग्रेडिएंट्स, और साथ ही आपको इस तरह से आपने ये ले लेना है। ज़ाहिर है ऑलिव ऑयल हमारी स्किन, हेयर, एवरी टाइप ऑफ बॉडी फीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये हमारी नरिशमेंट स्ट्रॉन्गमेंट बहुत करता है। तो आपने विटामिन ये ऑलिव ऑयल और इन्हें मिला के यूज़ करना है तो आपको बहुत फ़र्क। अल्लाह हाफिज़।